Hello, good afternoon. I, Shivangi Sisodiya, reporter of Young Users, is here to report for the voting. As you all know, today it's 28th of November, the voting date. So let's go inside and check out. हमारे साथ हैं सर राजेश रेखवाल जो यहाँ के इलेक्शन का जो भी प्रोसेस हो रहा है इनके अंडर हो रहा है. आप वोटिंग भी दे रहे हैं और अरेंजमेंट्स भी कर रहे हैं. तो सर आपको क्या क्या फील होता है? हमको बड़ी खुशी होती है कि भाई इस तरह का हमारा जो प्रजातंत्र पूरे देश में है, इतनी नहीं पूरे विश्व में है. हमारा यहाँ इंडियन जो हमारी डेमोक्रेसी है सब में विश्व विख्यात है. हम किस तरह मैनेज करते हैं हमें इस बात पर गर्व है और इस काम में हमें काम करने का मौका मिल रहा है तो इससे हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमें बड़ा इसका गर्व है इस बात का. यकीनन भीड़ तो अब बड़ी है ज्यादा. क्या है अवेयरनेस की बात भी है और दूसरा हमारे यहाँ सूचना तंत्र भी बहुत मजबूत है तो उससे लोगों को सूचना भी मिल जाती है कि भाई इस तरह की हमारे ये चुनाव हो रहे हैं तो हम अवेयर हो जाते हैं. वो लोग जानकारी मिल जाती है जल्दी से. पहले क्या था सूचना तंत्र इतना मजबूत नहीं था एक ये भी और दूसरा हमारे जो चुनाव आयोग का जो काम है एक अवेयरनेस का तो बहुत सारे माध्यमों से हम पब्लिक में अवेयरनेस दे रहे हैं. हमारा जो चुनाव आयोग है तो वो अवेयरनेस के कई सारे प्रोग्राम होते हैं जिनसे कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी मतदाताओं को हम जागरूक बनाते हैं. आयोग उसके लिए कटिबद्ध है कि हमारी जनता बहुत ज़्यादा इसके प्रति जागरूक हो और अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का उसको पूरी तरह से उसको 100% वो उसको ज्ञान में आए बात कि हमें वोट करना है. आपने देखा होगा जगह जगह स्लोगन लिखे कि जीत करो वोट करो तो ये क्या है ये अवेयरनेस का अवेयरनेस कर रही है सबके बीच में. और सर जो महिला है उन लोगों में जागरूकता मतलब पहले वो लोग इतने अवेयर नहीं थे पर अब लोगों को लगता है मुझे ऐसा लगता है. सवाल महिला पुरुष का नहीं आता है यहाँ जनसाधारण की बात है कि सब में ही जन जागरूकता फैली है. ऐसा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ठीक नहीं है ना. वो तो जब भाई प्रोग्राम हो रहा है उसमें महिलाएं भी आ रही हैं एक दूसरे को बोलती हैं फिर घर में जाके मोहल्ले में बोलती हैं तो वो बता समझ में आता है उन्हें कि हमें ये आयोग ने जो हमसे कहा चुनाव आयोग ने जो हमसे कहा कोई कारण तो होगा. फिर आप उनसे बात करते हैं तो उसका महत्व उनको समझ में आता है आपसी डिस्कशन से. कभी जैसे आप जैसे अवेयर लोग जाते हैं कुछ आपसे पूछते हैं भाई क्या करना है तो इस तरह से अवेयरनेस तो बहुत बढ़ती जा रही है. और सर जो युवा है वो आजकल बोलता है वोट देने से क्या है क्या है बट ऐसा मैं देखती हूँ कि युवा ज़्यादा जागरूक है. बिल्कुल बिल्कुल यकीनन युवाओं में इसके प्रति जागरूकता वाकई में बढ़ गई है. और ये जो सुनने में आता है भाई नई उम्र के बच्चे कह रहे हैं अरे क्या होगा चुनाव. लेकिन ये सुनने में इसलिए आता है कि बच्चों का वो लड़कपन है अंदर से. मेरा जो अनुभव है वो अंदर से अवेयर है लेकिन वो चूंकि उच्छृंखल है कोई या कोई मजाक में कह रहा है तो ये ऊपरी बात है. लेकिन अंदर से मेरा अनुभव कह रहा है कि वो भी जागरूक हो रहा है और हमारे चुनाव आयोग से और जो भी इसमें संलग्न हमारे अधिकारी वर्ग हैं सभी लोग इसी के लिए प्रयासरत हैं कि हमारे युवा भी जागरूक बने महिलाएं भी जागरूक बने और सभी में ये मतदान के प्रति पूरी अवेयरनेस अच्छी तरह से आए. सर थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. सर आप लोगों के ये अरेंजमेंट्स की वजह से ये सब इतना प्रॉपरली सिस्टमेटिक ढंग से हो सकता है एंड यस सर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच. आई शिवांगी सिसोदिया कंक्लूड विद कैमरामैन यश त्रिवेदी. जय हिंद.